गाइस आज हम बनाएंगे 3 इंडियन से बनने वाली चॉकलेट आइसक्रीम। इस आइसक्रीम के लिए हमें चॉकलेट या फिर कोको पाउडर किसी भी खास इंडियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिना गैस जलाए झटपट से बनके तैयार जाती है, तो आइए इसे बना लेते हैं। ये बिस्किट और बनाना की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, फिर इसमें इस तरीके से एक बनाना कट करके डालेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है 10 रुपये वाला ओरियो बिस्किट, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे और इसका एक स्मूदली पेस्ट बना के तैयार करेंगे। पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर लिए हैं इस तरीके के डिस्पोजल ग्लासेस, आप यहाँ पर मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे एल्युमिनियम फॉयल। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो आप यहाँ पर पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल लगाने के बाद चाकू की सहायता से इस तरीके से इसमें होल कर देंगे और होल करने के बाद इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। आइसक्रीम स्टिक लगाने के बाद इसे 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 7 से 8 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी क्रीमी और डेलीशियस सी आइसक्रीम हमारी घर पर ही 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।